कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत डार्क क्राइसिस के 2 दिन बाद से होती है, जहां मिस्टर टेरिफिक का टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है। मिस्टर टेरिफिक डार्क क्राइसिस को बयान कर ही रहा होता है कि वहां बैठी डॉक्टर डेक्स्टर डार्क क्राइसिस का सारा कट्टा चिट्ठा खोल देती है। ये सब सुन मिस्टर टेरिफिक हैरान हो जाता है कि इसे इतना कुछ, ये सब कुछ कैसे मालूम है। इसके जवाब में डॉक्टर कहती है, दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन होगा तू अपने घर में, मैं दुनिया की स्मार्टेस्ट औरत हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर की घड़ी नाचते नाचते बताती है कि लैब में घुसपैठ हुई है। लेकिन रसल गुल ब्रूस को वापसी जिंदा होने की खुशी में शराब पेश करता है। उधर पड़े एक वास को देख जब ब्रूस पूछता है तो रसल गुल बताता है कि ये तेरा बाप है, थॉमस वेन, जो गलती से बैटमैन बन गया था। जितना मुझे पता है इसका ये हाल डार्क साइड की ओमेगा बीम ने किया है। लेकिन मैं बता दूं तुझे कि तू अपने बाप को बचा सकता है, अगर बचाना चाहता है तो तुझे अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद सीन सीधा फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाता है, जहां थॉमस गुस्से से लाल पीला कार उड़ाते हुए जा रहा होता है। ऑसवर्ड थॉमस को कहता है कि उसे डेक्स्टर को बचाना पड़ेगा, वो आर्कम गया है। लेकिन थॉमस कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइम जो जरूरी है वो मार्था है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऑसवर्ड बताता है कि डेक्स्टर की माँ गिल्डा ही टू फेस है। डेंट की बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि गिल्डा ने ही मारा था उसे। डेंट ने हमेशा अपनी बीवी को उसके जुर्मों से बचाए रखा था। लेकिन फिर भी थॉमस कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुन ऑसवर्ल्ड तब जाता है और गुस्से में कहता है, तेरे साथ मसला क्या है थॉमस? तूने आज तक जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, मैंने चूं तक नहीं की, लेकिन वो एक मासूम छोटा सा बच्चा है। ब्रूस की उम्र का है वो, ब्रूस को तो तू बचा नहीं सका, लेकिन इसे तू बचा सकता है। लेकिन थॉमस कहता है इस दुनिया, इस टाइम का सफाया हो जाएगा, जो कुछ भी हो रहा है कुछ मायने नहीं रखता, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ ऑसवर्ल्ड, तेरे साथ का शुक्र गुजार हूँ। और ये कह बैटमैन कॉल काट देता है। उसी दौरान आर्कम में मार्था गिल्डा से कहती है, मेरी प्यारी गिल्डा, तूने कभी सोचा है घड़ी कैसे काम करती है? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, लेकिन घड़ी का मकसद क्या है? घड़ी का तो सारा काम है इधर। ये सब देख डेक्स्टर अपनी माँ को वहाँ से चलने का कहता है, लेकिन गिल्डा साफ साफ इनकार कर देती है। और साथ ही साथ गिल्डा की दूसरी पर्सनैलिटी भी उस पर काबू पाना शुरू कर देती है। और फिर मार्था अपनी दुखी दास्तान सुनाने लग जाती है कि कैसे दो लोगों के बीच प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा ज्यादा देर ना रहा, जिसने उन दोनों को पागल कर दिया। अभी मार्था अपनी पूरी दास्तान सुना ही रही होती है कि थॉमस के आने का पता चल जाता है। और फिर हम थॉमस की छत से एंट्री देखते हैं। हर टूटा शीशा बैटमैन और रॉबिन की दुखी दास्तान चीख चीख के सुना रहा होता है। थॉमस को देख मार्था हमला कर देती है और साथ ही साथ तब तक गिल्डा की क्रिमिनल पर्सनैलिटी डेक्स्टर को दबोच लेती है। थॉमस मार्था को कहता है कि बता तूने इतने लोगों को क्यों मारा, क्यों मारा उन्हें जिनकी मुझे जरूरत थी? तो मार्था कहती है बहुत जल्द पता चल जाएगा तुझे। जहाँ गिल्डा एक तरफ डेक्स्टर को बचा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ डेक्स्टर को मारने की कोशिश भी कर रही होती है। दूसरी तरफ थॉमस मार्था को उठा सेल में फेंक देता है। अपनी तरफ गार्ड्स को भरता देख थॉमस भी सेल में जा अंदर से कुंडी लगा लेता है और अपनी तफ्तीश शुरू करता है। मार्था बताती है कि जब उसने गोल्डन मास्क वाले को ब्रूस के बारे में कहता सुना तो उसने उसकी जान निकालने से पहले सारी जानकारी निकाल ली। और कहती है कि क्या तुझे पता है जिस टाइम की वो बात कर रहा था वहाँ जोकर एक आदमी है, यकीन करेगा तू? एक आदमी। और ये कहते ही मार्था अपने गुप्त रास्ते से निकल पड़ती है। मार्था बताती है कि एक जोकर का नाम जो जैक ऑसवर्ल्ड व्हाइट है, एक नाकाम कॉमेडियन तो है लेकिन बंदा बड़ा ग्रेट है, अपनी बीवी बच्चे के साथ खुश है, इसी वजह से नहीं मैंने उसे मारा क्योंकि वो हमारी तरह खुशी दिखने का ढोंग नहीं कर रहा था। थॉमस पे चाकू से हमला करते हुए अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग जोकर्स की अलग अलग कहानियां बताती है और कहती है तो सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए उन सब की बलि चढ़ाने जा रहा है, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ क्यों ना करूं। उसके बाद हम मार्था को ग्लोब के पास खड़ा और थॉमस को घुटनों के बल पड़ा देखते हैं। मार्था बताती है कि जब तूने मुझे गटर में मरने छोड़ दिया था तब मेरी मौत सूरज की किरण बन मुझे यहाँ तक ले आई और यही मैंने गोल्डन मास वाले की आवाज़ पहली दफ़ा सुनी। मैंने हर उसको मौत के घाट उतार दिए जो टाइम के साथ खेल सकता था या खेलना जानता था। मैंने तुझे मसरूफ रखा ताकि मैं मशीन बना सकूँ। मुझे भी इस टाइमलाइन से उतनी ही नफरत है जितनी तुझे,
तू और मैं इस ग्रोव से पास में जाएंगे और अपनी बलि देंगे ताकि ब्रूस जिंदा रहे। लेकिन उसी दौरान ब्रूस के पास मौजूद ग्लोब में होते रिएक्शन के नतीजे में वहाँ एक हट्टा कट्टा लड़का शॉटगन लिए ब्रूस को कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ। लेकिन ब्रूस कहता है, मेरे रास्ते में ना आइयो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। इसके जवाब में वहाँ खड़ा बच्चा कहता है, ब्रूस तू बॉस को किसी सूरत नहीं रोक सकता, मैंने तुझे कहा था बाहर आ जा लेकिन तू नहीं आया, अब जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। और इसी के साथ हमारा इशू अपने खत्म को पहुँचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।